मेरी किस्मत में क्या है? सोच लो, तुम्हारी लव लाइन में बहुत मेलोड्रामा है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं।
जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं
जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्व है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो
हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है। विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के
प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और
अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधेश्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस
उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को
डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम, इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है, वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम, इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है।
विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है,
लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है।
विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्व है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्व है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया
गया हस्तरेख विद्वान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है,
वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया।
प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधेश्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊँगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधेश्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते
ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वत है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी
हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई।
उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय
उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो
राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है।
आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पड़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया।
यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है, वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने
एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान, वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश
भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है,
की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्ते में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्ते में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली।
जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और उससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विद्वान है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेखा विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे और तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल्य से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास रखना अब शुरू करती है, विक्रमादित्य अपनी हस्तरेखा पढ़ने के लिए कहती है। यह भविष्यवाणी वह करता है कि उसके पास उज्ज्वल भविष्य के लिए एक लंबा जीवन होगा, लेकिन वह
खून बहाने वाली नाक से तुरंत बेहोश भी हो जाती है। आज मैं आपको राधे श्याम इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। 1978 इटली में विक्रमादित्य एक विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विधवा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पड़ते ने और आपातकाल के बारे में उल्लेख करने के बाद वह रोम भाग जाता है। आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया हस्तरेख विज्ञान वह संत परमहंस के शिष्य है। विक्रमादित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन डॉक्टर प्रेरणा एक सुंदर और अनाड़ी युवा डॉक्टर के लिए तुरंत अपने उसके प्यार में गिर जाते हैं। वे एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं, जिसके बाद वह अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य पढ़ता है कि एक महत्वाकांक्षी राजनेता और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली। जब विक्रमादित्य ने भविष्यवाणी की कि राजपूत ने एक राजनेता हो नहीं हो सकता, तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रेरणा काम करती है और इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा के उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव दिया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है और उसे तथा उस शहर को छोड़ देती है। विक्रमादित्य पूरे रास्ते में उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और धीरे धीरे करके वह एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा के चाचा हालांकि इसे कोई भी विकास नहीं करने के लिए कहते हैं, विक्रमादित्य के प्रति गहरी भावनाओं से बचने के लिए भी वह उसे बताते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो एक अजनबी उसने अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध किया। यह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य झिझकते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर कोई तत्काल मौत के लिए नियम है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन के पीछे पीछा करता है, लेकिन यह सब पीछा उसका व्यर्थ जाता है। बाद में उस शाम ट्रेन एक दुर्घटना से मिलती है, जिससे कई लोग